बिसमिल्ल रन रही अम मैं हूं बैरिस्टर मुबीन शाह एंड आई वेलकम यू टू माय प्रोग्राम जुगनी जी विद मी मुबीन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जुगनी जी कैसा नाम है जुगनी तो सुना है लेकिन जुगनी जी और वो भी एक प्रोग्राम के लिए तो जनाब किसा सुनिए जब मेरे जहन में ये नाम आया जुगनी जी तो मैंने अपने कुछ अजीज़ों से कुछ दोस्तों से ये नाम शेयर किया कुछ फ्रेंड्स मेरे मुस्कराए कुछ लोग ज़रा हंसे मुस्कुराने से ज्यादा हंसे और कुछ लोगों ने बड़े सिंसियरली इस नाम को तस्लीम किया एक्चुअली द थिंग इज़ कि इस नाम की जो मीनिंग है और उसके अंदर जो डेप्थ है वो मुझे बड़ी पसंद आई अब क्या मतलब है इसका जुगनी लिटरली मीन्स अ फ़ीमेल बटरफ्लाई अ सॉरी अ फीमेल फ्लायरफ्लाई फीमेल फायरफ्लाई एंड वन कपल्ड विद द वर्ड जुगनी जी टुगेदर द इट एक्चुअली मीन्स माई इनर स्पिरिट

और जब हम उस टाइम को पूरा कर लें तो फिर हमने जाके अपने मालिक से मिल लेना है आ, अगर आप सोचें तो आ, मालिक से मिलने से पहले जो हमारा टाइम यहाँ पे है जो हमारी ये लिमिटेड टाइम पीरियड है ये बड़ा फानी है फिनिट है हमेशा के लिए नहीं है लेकिन इस दुनिया में हमारी बड़े ख्वाहिशात होते हैं आ, उन ख्वाहिशात का हम इजहार भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं लेकिन अगर आप देखिए कि ये ज़िंदगी ही इतनी टेम्प्ररी है इतनी फिनट है इतनी बेवफा है आज है कल नहीं है तो इसमें जो हमारी ख़्वाहिशात हैं और जो ख़्वाहिशात के पूरे जो हम कर करते रहते हैं वो कितने फिनट हैं और हम जी हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है उन ख़्वाहिशात को पूरे करते करते हम अपने आप को भूल जाते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को भूल जाते हैं खुदा को भूल जाते हैं और फिर पता चलता है कि जी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ख्वाहिशात पूरे ही नहीं हुए क्योंकि जो विश लिस्ट होती है एक विश लिस्ट पूरी होती नहीं है कि दूसरी आ जाती है वो ख़त्म होती है तो फिर तीसरी आ जाती है कुछ लोग होते हैं कि आ, उनकी ख्वाहिशात पूरे ही नहीं होते इसीलिए तो कहा गया है ना कि किसी को ज़मीन ही मिली किसी को आसमान ना मिला लेकिन जब अप, हम अपने मालिक के पास जाते हैं और उस दुनिया वो दुनिया एक्चुअल दुनिया है दैट इज़ द वर्ल्ड दैट वी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर That is the world that we should be working hard for, and not this world. when I about the topic program, International Women's Day. The history behind what has now come to be known as the International Women's Day dates back to the early 1900s. This was a period of radical change, where women were making widespread demonstrations against oppression and inequality there was discrimination on the basis of uh, <clears throat> low wages, long working hours, and there was that immediate need of recognizing uh, their rights to maternity. as a result, the first national women's day, as it was then called, came to be celebrated on the 28th of february 1909, and it was celebrated widely across the united states. history. <laughs> Because it caused millions of women around the world to basically get up and smell the coffee, and demand for what was rightfully theirs. Unki unending struggles, ki, it not only led to their recognition of women's rights but also their active participation in economic, political, social, etc. activities in many parts of the world. फाइनली मार्च एट्थ को इंटरनेशनल वूमेंस डे का नाम दिया गया इस दिन को मुख्तलिफ मुमालिक मुख्तलिफ तरीक़ों सेलिब्रेट किए करते हैं कुछ मुमालिक में आ, ये रिवाज है कि वो अपनी ख़वातीन को फूल देते हैं कुछ मुमालिक में गिफ्ट्स दिए जाते हैं कुछ मुमालिक में आ, पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर की जाती है कहीं पर आधे दिन की छुट्टी दी जाती है कहीं पर सिर्फ खुतन को छुट्टी दी जाती है लेकिन आज से बट डिस्क्रमनेटरी लेट्स बी फेयर लेकिन ग्लोबली सेलिब्रेशन रखी जाती हैं इवेंट्स रखे जाते हैं और द पर्पस बिहाइंड इज़ के, के मसाइल, उनके हकूक और उनके सल्यूशन को सामने लाया जाता है लोगों के दरमियान इसकी अवेयरनेस पैदा की जाती है अब आते हैं जरा प्रोग्राम की तरफ आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं आज इंटरनेशनल वमेंस डे की बात क्यों कर रही हूं जबकि एट मार्च तो कल गुजर गया है आज तो नाइन्थ मार्च है तो जनाब जब मैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम के लिए अपना पहला टॉपिक सोच रही थी तो मेरे जहन में यही टॉपिक सबसे मुझे अहम इम्पॉटेंट और मुफीद नज़र आया और आई एम श्योर कि मेरी सारी बहनें मुझसे सहमत होंगी कि ये टॉपिक है ही बड़ा इम्पोटेंट असल में हम सब खातिन के दिल में कहीं ना कहीं कोई बात होती है जो कहीं दिल, हमारे दिल में छुपी होती है और हम चाहते हैं को कि उस बात को लोगों के सामने लाया जाए लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए तो जनाब ये आपका प्लेटफॉर्म है आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए मुझे कॉल्स कीजिए मुझे ट्वीट कीजिए ईमेल कीजिए और अपने ख्याल का इजहार कीजिए मुझे बताइए कि आपने इंटरनेशनल वूमेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया आप क्या चेंजेस चाहते हैं आपको क्या लग रहा है कि हमारे माशरे में काफ़ी कुछ हो रहा है इंटरनेशनल वेमेंस डे के लिहाज से या अगर हो भी रहा है तो हम कोई रिजल्ट देख रहे हैं कि नहीं खैर इंटरनेशनल वमेंस डे की ही बात हो रही है ग्लोबली uh, जब पाकिस्तान की बात आती है पाकिस्तान की हम सोचते हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल वमेंस डे सेलिब्रेट तो किया जा रहा है uh, अगर आप देखें तो uh, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं टीवी पे, uh, बहुत ज़्यादा जगहों पर कहीं एग्जिबिशंस हो रहे हैं कहीं पेंटिंग एग्जिबिशंस हो रहे हैं जहाँ पे ख़वान अपने ख़्यालत का इजहार कर रही होती हैं असल में पाकिस्तान में tak women's rights concerned concerned, though they have been recognized. Um, women's rights, hamari uh, constitution, they have been established as a proper section or uh, there are proper levels of punishment to uh, punish those who uh, discriminate or cause inequality on the basis of gender, that is against women. in hukuk sakti as of right. कैन देवोक दिज राइट्स इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से किस्से हैं बहुत सी कहानियाँ हैं बहुत सी स्टोरीज हैं केसेस हैं अनरिपोर्टेड केसेस हैं जो कि लिटरली भरी पड़ी है लिटरली लाइक अ बॉटल फील्ड अपू इट्स ब्रिम जहाँ पर हर औरत किसी ना किसी तरीके से डिस्क्रमिनेशन का चाहे वो प्रोफेशनल कपैसिटी हो या डोमेस्टिक कपैसिटी हो शिकार हो रही है और औरफॉर्चुनेटली हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहे हम ऐसे किसे सुनते हैं अखबार में पढ़ लेते हैं टीवी पर देख लेते हैं खफा हो जाते हैं कि यार ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है हमारी ख़ातन क्यों दिन ब दिन पिसती जा रही हैं ये क्यों कहीं पे अखबार में आर्टिकल भी लिख लेंगे दोस्तों के दरमियान इस बात को शेयर भी कर लेंगे और जब गिल्ट ज़रा ज़्यादा बढ़ जाए तो कहेंगे जी हमारी गवर्नमेंट बड़ी करप्ट है ये गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का आ, इन्होंने करप्शन लेके आए अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर हैं और औरतें औरतों को तो देख ही नहीं रहे बिल पास हो जाए तो उसकी इन्फोर्समेंट ही नहीं कही जाती वहाँ पर हम एन को पकड़ते हैं कि क्या एन का क्या काम है जी एक रिपोर्ट तैयार होती है आ, फाइव स्टार होटल में एक लंच दिया जाता है आ, गेस्ट्स चीफ गेस्ट्स को बुलाया जाता है खाना खाया जाता है और फिर आखिर में एक रिपोर्ट तैयार होकर अथॉरिटीज़ को दी जाती है कि जी हमने तो आ, जो हमारी डिप्राइव कम्यूनिटीज़ हैं उनके लिए ये सब कुछ कर लिया लेकिन वट आई वॉन्ट टू सी इज़ टू स्टॉप द ब्लेम गेम बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ विश साइकिल विच गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर एंड टू डू समथिंग अबाउट इट स्टैंड अप लेट्स बी वोकल एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट इट क्योंकि कहते तो है ना कि चैरिटी बिगिनस एट होम Um, अब आई एम सॉरी कि मैंने आपके लिए एक बहुत ही ब्लीक सा पिक्चर प्रेजेंट कर लिया है आप थोड़े खफा हो गए होंगे कि ये क्या कर रही है फ़र्स्ट प्रोग्राम है इसका और लोगों को तो इसने खफा कर दिया है शी गोइंग ऑन अबाउट तो जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी हिस्ट्री इतनी बुरी भी नहीं है हमारी हिस्ट्री में और हमारे प्रेजेंट में ऐसी बहुत सी खुवात गुजरी भी हैं और हैं भी और मैं इन दुआ करती हूँ कि आगे भी आए भी आएँ जिन्होंने अपना नाम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में अपना नाम रोशन किया मर्दों के साथ खड़े होकर उन्होंने अपने मेल कुलीग से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशनस की वजह से उन्होंने अपने हर पाकिस्तानी औरत को सर उठा के जीना सिखाया जब मगरबी तहरीक सर चढ़ कर बोल रही थी औरतें अपने हकूक के लिए सर जोर काविशों में लगी हुई थीं वहाँ उसके असरा पाकिस्तान और इंडिया जो उन दिनों में बड़े सग़ीर या हिंदुस्तान के नाम से मशहूर था वहाँ पर भी पाए गए हमारे दरमियान ऐसी बहुत सी औरतें नज़र आती हैं मौलाना शौकत अली ऐसा नाम जो कि घर घर में जाना जाता है हर बच्चा बड़ा उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनकी मदर बी अम्मा के नाम से मशहूर थीं अब बी अम्मा जो थीं वो एजुकेटेड नहीं थीं शी वॉज एन इलेटरेट वमन 30 साल की उम्र में उनके हस्बैंड इंतकाल कर गए और बच्चों की जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी सब उनके सर पर पड़ी लेकिन उस औरत का कमाल देखिए कि एजुकेशन में उसकी बिलीफ वो स्ट्रांग थी कि उसने पाई पाई बेच दी लेकिन अपने बच्चों को अलीगढ़ और ऑक्सफर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाया कमाल की बात है या नहीं इंडिपेंडेंस के दौरान जब उनके बेटे इस तरह जेल चले जाते थे इसी मूवमेंट के दौरान जब वो चले गए तो वो खुद उस ज़माने में वन वुमेन वर सपोज टू स्टे होम एंड बेसिकली डू नथिंग एल्स वो बाहर आईं और उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जारी रखा हज़ारों की तादाद के लोगों के सामने उन्होंने स्पीचेस दिए और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हुईं और इसीलिए आज बी अम्मा का नाम बहुत सी किताबों में नज़र आता है बहुत सी शायरी में पाई जाती हैं और क्यों ना हो ऐसी औरत हो उनके ऐसी कंट्रीब्यूशन हो तो मैं तो कहती हूँ कि इन पर जितना लिखे कम हैं, उसी ज़माने में अगर आप ज़रा नज़र और दौड़ाएँ तो आपको फातिमा जना सामने नज़र आएंगी। फातिमा जिना मोहम्मद अली जिना की बहन थी और उन्होंने अपने भाई से कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिटिकल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ख़ुतिन के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन गई इसीलिए तो कहा गया है ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ है एक औरत का हाथ है लेकिन मेरे भाइयों यहां पर मैं आपको जरा अलर्ट कर दूँ कि अब ये मत सोचना शुरू हो जाएगा ये जो मेरी बीवी जो है ना इससे मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही ऐसा करता हूँ कि अपने लिए कोई और ढूंढ लेता हूँ ना ना, ना ना जो एक और भी कोटेशन है और वो ये है कि एक नाकाम शख्स के पीछे दो औरतों का हाथ है तो भाई ये आपकी किस् आपकी अपनी किस्मत है जो आप सवारना चाहते हैं तो एक को रखें आपको अपनी किस्मत नहीं अच्छी लगती तो आप दो को रख लीजिए बट दैट्स अनदर टॉपिक एंड वी विल इनशाला बी डिस्कसिंग अबाउट इट आई एम श्योर मनी वुमेन वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट इज़ वेल बट दैट्स समथिंग फॉर द फ्यूचर अब आते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ एक और आ, खातून खातून भी नहीं बल्कि एक कम से नौजवान जो मुझे नज़र आती हैं वो है फातमा सुघरा जो कि उस इंडिपेंडेंस के टाइम में वो भी आ, उनका नाम भी बड़ा हमें नज़र आता है एक चौदह साल की कमसन बच्ची कमसन बच्ची क्या क्या उम्र है चौदह साल अभी भी गलती हो जाए हम कहते हैं खैर छोड़ो बच्ची है। और उन्होंने अपने अबू के साथ वो गई इस तरह की एक पॉलिटिकल रैली थी डेमोस्ट्रेशन थी वहाँ पर सब कह रहे थे कि ब्रिटिश हुकूमत को निकालो पाकिस्तान इंडिया को अलीहदा करो उनमें इतना जोश और वलवला आ पहुँचा कि वो नेशनल असम्बली की बिल्डिंग पर जा पहुँची खुद चढ़ी यूनियन जैक का फ्लैग उन्होंने उतारकर मुस्लिम लीग का फ्लैग लगाया क्या बात है जवानी हो तो ऐसे काम आए वरना बेकार अब जरा आगे आते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो जब वो इंतकाल कर गए तो उनकी साहिबजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है शी ऑफिशलीफ द पार्टी इन हर हैंड्स और उन्होंने औरतों को वो हकूक दिलाए जो कि हदूद ऑर्डिनेंस जैसे रेगुलेशन ने हर तरीके से एब्रोगेट किए उन्होंने औरतों को सर उठा के जीने का एक नया ढंग सिखाया और अगर हम आज के टाइम में आ जाएं तो रिसेंटली आवर वेरी ओन हीरो शर्मीन उबैद चिनोय पाकिस्तानी बॉर्ड जर्नलिस्ट कनाडा लेकिन उनके सामने औरतों के मसले इतने गंभीर थे कि वैसे तो हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है कारोकारी ऑनर किलिंग्स फ्यूडलिज़म के इश्यूज़ हैं हमारे वटा सटा के इश्यूज़ हैं लेकिन आजकल जो एक गंदा सा जो हमारा रिवाज बन गया है एसिड थ्रोइंग का जहाँ पर आप अगर अपनी बात आप मनवाना चाहते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो जी एक आसान सा काम है जाके औरत पर के मुंह पर तेज़ाब फेंक दो तो, बदला लेने का सबसे ज़बरदस्त तरीका उन्होंने माशरे की इस गलाज़त को छुपाने के बजाय उसे सामने लेकर आई डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पर और देखिए उनकी मेहनत रंग लेके आई उन्होंने ऑस्कर जीत लिया उस डॉक्यूमेंट्री पे सो थम्स अप टू यू शर्मीन आई होप एंड प्रे दैट इनशा यू कम अप इन द फ्यूचर विद सच डॉक्यूमेंट्रीज एज़ वेल एंड विद सच डॉक्यूमेंट्रीज यू कम अप विद विद्यूज एज वेल वेर यू कैन शो टू अस के उन मसलों के बारे में क्या हुआ क्या पॉजिटिव चेंजेस आईं होप फॉर द बेस्ट अगर आप देखें तो अभी हमारी जो स्पीकर हैं वो भी नेशनल असम्बली की वो भी खातून हैं। सिक्सटी नाइन जो हमारे असम्बली uh, में मेम्बर्स हैं दे रिप्रजेंट द मैसेज विच इज़ एक पॉजिटिव तरफ एक पॉजिटिव तरफ हम जा रहे हैं तो ये तो सारी मेरी बातें हो गई बोलते बोलते गला भी सूख गया <laughs> लेकिन uh, अब मेरे ख़्याल से मैं अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दूंगी And I would like to introduce to you my guest. Today, I have uh, a very beautiful, superb, and very with me as a guest. She is a beautician as well as a nutritionist. So, sisters, get ready because if you have any beauty-related questions, any nutrition-related questions, and here and there, you have. Any, uh, हंड्रेड्स ऑफ पाउंड के साथ मीटिंग्स रखी प्राइवेट मीटिंग्स रखी दिस इज द टाइम टू कॉल एंड सेव दैट मनी ऑफ योर्स तो आइए चलते हैं गुल की तरफ असल क्या हाल है आपके गुली हूँ आप कैसी? बस शुक्र अलहमदिल्ला मैं आ, नाजरीन को भी मैं कह रही थी कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं और अगेन आई वुड से माशा यू लुक वेरी वेरी प्रिटी आई लवर क्लोथ यू वेरी मच

ने थोड़ी सी ड्रेस में टेल्स उसकी साइडों से निकाल लिया कुछ कर लिया तो वो आपने क्या कहा था <laughs> मैंने उसको ये कहा मैंने घर फोन किया एक्चुअली आई मीन फोर्टी सिक्स थाउजेंड उस पर खर्च oh किया God, और वो घाघरा चोली जैसे बनाया अच्छा। था इस तरह था वेरी नाइस आई मीन ऑफ वाइट था तो उसको एक्चुअली मैंने किसी शादी पे पहनने के लिए बनवा रही थी तो वो तो ना पहन सकी तो फिर तो लस्टर जाके बनवाना पड़ा वहां से लेके आई लेकिन यह कि फिर मैंने फोन किया घर और उनको मैंने कहा कि उसे कहे मेरे आने तक जिंदा रहे <laughs> मैं उस लेकिन कर... उसने तो मरना तो दोनों आ, केसेस में है ना कि अगर वो पहले मर गया तो फिर मर गया और बेर अगर बेर आप नहीं तो आपने भी मार देना बेचारे को <laughs> मैंने कभी उससे कहे मेरे आने तक जिंदा रहे क्योंकि मैंने उसको कहना कि पहन के तू मुझे दिखा oh कि वो इसकी मतलब तूने किया क्या है oh, 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 oh. बड़ा दुख होता है फिर इस हाँ, ना कि आप है। इतने पैसे लगे हो लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभी जब आपके पास टाइम थोड़ा होता है तो उस टाइम में फिर वो क्या करते हैं यही कुछ करते हैं अपने कहना उसे कि मैं हफ्ते में वापस जा रही हूँ मुझे मेरे क्लोज फटाफट चाहिए तो वो फिर ऐसे ही बनते हैं हाँ जी और गुल आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि दर्जियों ने सही मतलब एक इनकी मोनोपली सी बन गई है आ, हम हमारे पास तो एक खास टाइम पीरियड होता है जिसमें हमने जाना होता है पाकिस्तान हम कहते हैं जी मेरे पास दे बस ये एक महीना है बच्चों की छुट्टियाँ बड़ी कम मिली हैं वापस भाग के आना है तो इन, इस टाइम में मुझे ये ये कपड़े तैयार मिल जाने चाहिए लेकिन फिर जी दर्जी का वो है उसकी मनोपली है अगर उसने आपके कपड़े ले लिए या ना ले लिए ये अपनी मर्जी है उसकी लेकिन बड़ी मिन्नत करनी पड़ती है देखें जी अगर तो आपका अपना एक फैमिली को होता है ना जी। जैसे पाकिस्तान में कि आपकी फैमिली के वो, वो, वो सिलाई करता है तो no problem, फिर वो ले लेता है लेकिन अगर उसको भी कहीं से ऑर्डर ऐसे आए हुए हैं जिसके कोई शादी है कोई निकाह है कोई मंगनी है कोई फंक्शन है तो उनको भी चाहिए तो फिर थोड़ा सा हमें भी इंतजार करना पड़ता exactly, है तो गुल अब जरा आते हैं हमारी तो ये गपशप लगी रहेगी लगी रहेगी हम तो जब ख़वात बैठती हैं तो हमारी तो गप खत्म नहीं होती है हमारे नाजरीन ये ना हो कि बोर हो जाए ज़रा आते हैं टॉपिक की तरफ आम, आप मुझे बताइए गुल के बींग वुमेन एंड बींग अ मुस्लिम वुमन एंड बींग फ्राम पाकिस्तान एज़ वेल आपके सामने इंटरनेशनल वुमेंस डे क्या अहमियत रखता है आप आपके आपकी क्या राय है इस दिन के बारे में मैं समझती हूँ कि जब ये दिन आता है साल में एक बार ही आता है इसको बड़े अच्छी तरह मनाया जाए और ख़ास करके वो बच्चियाँ वो लेडीज़ वो यंगस्टर जो के घरों से बाहर नहीं निकलती उनको भी ले जाया जाए ऐसे फंक्शन पे क्योंकि फंक्शन जो हैं वो बहुत होते हैं पाकिस्तान में कहीं तो मसवरी का है कहीं पे वो आर्ट आर्ट भी मसवरी कपड़ों का है बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं नहीं, नहीं, नहीं। तो ले जाया जाए उनको दिखाया जाए उनके अंदर भी एक इनक्रेज पैदा हो इस चीज की कि हम भी कुछ पढ़ लिख जाए कुछ बन जाए घर से बाहर निकले अगर तो हम भी अपने मुल्क का नाम इस तरह रोशन कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह करे कि इस तरह की आ, सोच हर किसी में हर किसी में हो और इंकरेजमेंट मिले हमारी क्योंकि इंकरेज करने से आप आगे बढ़ते हैं बिल्कुल उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो हम खुवान होती है हमें जरा सपोर्ट की जरूरत है पीछे धक्का देना पड़ता है yeah. कोई धक्का दे दे तो ah. रवाना हो जाते हैं लेकिन ये धक्के की जरूरत <laughs> होने चाहिए कोने में लेके चले जाते हैं कि जी आप बस इस कोने में चली जाए आप यही पे ठीक है नहीं असल में एग्जाम्पल्स भी दी गुल नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे. मेरे सामने आ, मैं जब एक लड़की एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आती है तो वो अपने माँ बाप का सर फखर से ऊंचा कर, कर देती है आई थिंक दैट्समेंट फिर आ, एक माँ सुबह सवेरे अपनी नींद तोड़कर उठती है अपने बच्चे को तैयार करके उसे नाश्ता दे के लंच बना के स्कूल भेजती है वहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ड्राइवर चला लेकर चला जाता है यहाँ पे तो हम खुद गाड़ियाँ चला के लेके जा रहे होते हैं तो दिस इज एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ औरत चाहे वो बहन है माँ है बेटी है बीवी है मतलब अच्छा खाना भी बनाए वो भी अचीवमेंट है yeah. तो आई थिंक लॉटन वी आर मेकिंग दिज अचीवमेंट ऑन डेली बेसिस ऑन लोकल लेवल और आजकल अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो खातिन हर फील्ड में हैं मतलब जहाजे भी उड़ा रही हैं स्पोर्ट्स में भी हैं ये डॉक्यूमेंट्रीज़ भी भी उन्होंने बना ली। टीवी में हैं मतलब हम कह ही नहीं सकते कि हम किसी मर्दों से किसी आगे तो बढ़, बढ़ रही हैं वो हाँ। ये ना कह के नहीं बढ़ी आगे तो बढ़ रही है हाँ लेकिन इस बार भी स्लो प्रोसेस नहीं जैसे कहा जाता स्लोली स्लोली हो रहा है मतलब एक मैं अपने अपने दौर की बात करूं कि जब मैं थी तब उस दौर में कहते थे नहीं नहीं वो क्या कहते हैं कॉलेज नहीं जाना यूनिवर्सिटी नहीं जाना नहीं। लेकिन वो जो ही वो क्या कहते हैं यंग एज में शादी कर देना भी ये भी बहुत था नहीं। तो नहीं। फिर उसी घर से वो जो दूसरे बच्चे पैदा होते हैं वो यूनिवर्सिटी तक भी जाते हैं कॉलेज में भी जाते हैं तो मैं कभी कभी मैं ये सोचती मैं कहती हूँ कि वो लकी थे वो पहुंच के वहां पे लेकिन इस टाइम क्योंकि वो टाइम कुछ और था अब टाइम कुछ और है तो टाइम के साथ साथ जब आप चलते हैं तो और चलना भी चाहिए चलना भी चाहिए चेंज तो आनी चाहिए। चेंज आनी चाहिए। चेंज तो तो आनी आनी चाहिए अगर... चाहिए वरना बहुत पीछे इंसान बिल्कुल है। बिल्कुल और मेरे ख्याल से जब ये चेंज आना बंद हो जाए तो वो तो क्यामत का ही मंजर होगा ना yeah, जब सब कुछ रुक जाए खत्म हो जाए हाँ नहीं ये है कि चेंज आना चाहिए और हमें इसी तरह अपने प्रोग्राम्स के थ्रू अपने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए जहाँ पे हमें औरतों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो अगर आप में टैलेंट है आप किसी चीज़ की ख्वाहिशमंद है तो आप निकलें आप डू समथिंग इन योर लाइफ मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ अल्लाह तरतों को बहुत हुनर दिया है बहुत टैलेंट दिए हैं और अगर आप देखें तो हम uh, जगल कर रहे होते हैं घर के भी काम कर रहे होते हैं बाहर के भी काम कर रहे होते हैं एंड वही जग नहीं सो इट वेरी इजी टू से uh, that, yeah. oh, मैं नहीं कर पाऊंगी mm. मैं नहीं करूँगी लेकिन आप कर सकती हैं लेकिन वो एक छोटा सा एक्सक्यूज है आपके पास mm. कि नहीं, नहीं 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 जाने दे मैं नहीं कर हाँ, मैं नहीं करूंगी आ, मैं कैसे जाऊंगी मैं फेस नहीं कर पाऊंगी मुझे शर्म आती है होती है लेकिन अगर कोई आपको मतलब जैसे कहते हैं ना ओ नहीं तुम कर सकती हो तो वही बात आपकी कि थोड़ा सा पुश करने की बात होती है तो अगर आप वो क्या कहते हैं अप्रिशिएट करेंगे अगर छोटा सा भी किसी ने काम किया होगा तो उसका हौसला बढ़ता है और वो उससे भी ज्यादा बढ़ के काम करना चाहता है तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए हमारी लेडीज में इवन यहाँ पे यहाँ पर भी मतलब ख़वातीन जो हमारी वो अपने आप को घरों में ही मतलब बंद रखती हैं